अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी प्यास की तरफ से 2022 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस वीडियो में आपके साथ प्यास के बीएस, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। प्यास एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। वर्ल्ड रैंकिंग अगर हम चेक करें तो प्यास दुनिया की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और ये पूरी दुनिया में 375th नंबर पे है और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नस्ट के बाद दूसरे नंबर पे रैंक करती है। प्यास की तरफ से तमाम कैंपसेस में 2022 के एडमिशन्स स्टार्ट किए जा चुके हैं। प्यास के कैंपसेस में शामिल हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। प्यास में ऑफर किए जाने वाले बीएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स। तमाम बीएस प्रोग्राम्स सिर्फ प्यास के आईएसबी कैंपस में रेगुलर फ़ी के साथ ऑफर होते हैं। प्यास में किसी किस्म की कोटा सीट्स नहीं होती और तमाम एडमिशन्स मेरिट बेस्ड होते हैं। प्यास में ऑफ़र किए जाने वाले एमएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं एमएस मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, एमएस प्रोसेस इंजीनियरिंग, एमएस सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, मेडिकल फिज़िक्स, एमएस फिज़िक्स, एमएस रेडिएशन फिज़िक्स, एमएस केमिस्ट्री, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस साइबर सिक्योरिटी, एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एमएससी रेडिएशन एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी। एमएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स रेगुलर फ़ी, फेलोशिप और आईटी एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप के अंडर ऑफर किए जाते हैं। तमाम प्रोग्राम्स की स्पॉन्सरशिप और कैंपसेस की डिटेल्स प्यास की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई हैं। बहुत से स्टूडेंट्स न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के बारे में पूछते हैं तो प्यास में ये प्रोग्राम बीएस लेवल पे ऑफ़र नहीं होता बल्कि एमएस लेवल पे ऑफ़र होता है। और प्यास में ऑफ़र किए जाने वाले पीएचडी प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर लीजिए। प्यास में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और प्यास में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 60% मार्क्स बोथ मैट्रिक और एफएससी प्री इंजीनियरिंग में होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईसीएस और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बीएस फिज़िक्स, बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसिस के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। प्यास में साल में एक बार ही एडमिशन्स ओपन होते हैं और इस साल अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जून 2022 है। बीएस प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 24 जुलाई 2022 को लिया जाएगा, जबकि बाकी तमाम सिटीज़ में एंट्री टेस्ट 31 जुलाई 2022 को लिया जाएगा। एंट्री टेस्ट के 2 वीक्स के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और 12 सितंबर 2022 से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और एमएस प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट की डेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यास का टेस्ट फॉर्मेट चेक करने के लिए आपको सैम्पल पेपर प्यास की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। प्यास के एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट्स को एफएससी की बुक्स से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब हम मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की बात करें तो 15% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की, 25% वेटेज एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स की और 60% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की होती है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से कोई एक टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं और टेस्ट पाकिस्तान की 18 बड़ी सिटीज़ में कंडक्ट किया जाता है। प्यास में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 3,500 रुपीज़ है और लेट फ़ी के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो 4,000 रुपीज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्यास की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। सो अगर आपने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।